हे ऑल, इट्स आदिति ओवर हियर। और आज की वीडियो में हम द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की समरी पढ़ेंगे। कुछ दिनों पहले ही मैं इस नावल को पढ़ रही थी और ये बहुत इंटरेस्टिंग नावल है। सो इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट होती है, एक टीनेजर गर्ल है जिसका नाम है हेजल ग्रेस लैंकास्टर, और वो ग्रास पर लेटी हुई है और स्टार्स को देख रही है। और वो सोचती है कि ये पता नहीं हम लोग सब क्यों अपनी सैड स्टोरीज दूसरों को सुनाने में बिलीव करते हैं, जबकि हम सब लोग उसको शुगर कोट करके बहुत ही स्वीट सी स्टोरी बना सकते हैं। और वो सिर्फ फिर बोलती है जो पीटर गैरबल का सॉन्ग है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें हेजल का इंट्रोडक्शन मिलता है। हेजल एक 17 या 16 ईयर्स ओल्ड गर्ल है जिसको फोर्थ स्टेज का थायराइड कैंसर है, और उसकी वजह से अब उसके वो लंग्स में भी फैल चुका है। तो हमेशा उसको अपने साथ एक ऑक्सीजन का जो टैंक है वो कैरी करके रखना पड़ता है, और उसकी नोज के पास से वो पाइप जाता है ताकि वो ब्रीथ कर सके। हेजल की फैमिली में उसके मॉम हैं, उसकी डैड हैं और उसकी एक डॉक्टर है मारिया। क्योंकि हेजल की मदर को लगता है कि हेजल धीरे धीरे डिप्रेशन में ड्रिफ्ट कर रही है, तो वो उसे कैंसर सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करती हैं। और उस कैंसर सपोर्ट ग्रुप का नाम होता है लिटिल हार्ट ऑफ जीसस। तो वो उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करती हैं कि वो जाए और उस कैंसर ग्रुप को यू नो ज्वाइन करे। तो हेजल वहाँ पे जाती है और वहाँ पे वो कैंसर ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है, बट उसे कोई भी पर्सन वहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और जो उसका ओनर होता है या उसका यू नो मेन पर्सन होता है जिसका नाम पैट्रिक होता है, उसको भी टेस्टिकुलर कैंसर होता है और उसका डाइवोर्स हो चुका होता है। वो बहुत पॉजिटिव है अपनी लाइफ के लिए, बट हेजल उसको हेट करती है। हेजल कहती है वो अपनी लाइफ के लिए बस इसीलिए पॉजिटिव है क्योंकि आज वो जिंदा है और अब उसे कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ पे हेजल का एक फ्रेंड होता है आइजेक, जिसको आई का कैंसर होता है, और आई के कैंसर की वजह से उसकी एक आँख पहले ही यू नो जा चुकी होती है। वो अब एक ही आँख से देख सकता होता है। सो हेजल सिर्फ और सिर्फ अपने उसी फ्रेंड को लाइक करती है और वहाँ पर बस उसी से बात करती है। ऑल दो जो हेजल की मॉम है वो चाहती हैं कि हेजल बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, वो लोगों से बात करे ताकि उसका जो डिप्रेशन है ना वो दूर हो सके, पर हेजल कहती है कि डिप्रेशन तो उसका मरने का एक साइड इफेक्ट है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक दिन हेजल जा रही होती है तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है, और उस लड़के का नाम होता है ऑगस्टस। जब दोनों बैठे होते हैं तो ऑगस्टस जो है वो हेजल को काफ़ी ज़्यादा घूर रहा होता है, तो हेजल भी बैक ऑफ नहीं करती है और उसे ज़ोर से घूरने लगती है। तो उसके बाद ऑगस्टस अपनी आंखें वहाँ से हटा लेता है, पर जब बाद में कॉन्वर्सेशन होता है तो हेजल को पता चलता है कि ऑगस्टस आइजेक म्यूचुअल फ्रेंड हैं दोनों, और तो इस हिसाब से वो आइजेक से बात करने लगती है, और साथ में क्योंकि ऑगस्टस होता है तो ऑगस्टस से भी बात करने लगती है। वहाँ पे जो आइजेक होता है उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम मोनिका होता है, वो काफ़ी दिखने में अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल होती है। तो आइजेक मोनिका से बात करने के लिए चला जाता है, तो फिर उस टाइम पर ऑगस्टस और हेजल काफ़ी अच्छा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं और दोनों लोग एक साथ बात करते हैं। बातों बातों में ऑगस्टस उसको बताता है कि उसको भी कैंसर है, और जिसकी वजह से उसका एक लेग जो है वो ख़त्म हो चुका है, वो नकली लेग से या रॉड से चलता है, और अब उसका बट ऑल दो उसका कैंसर अब क्योर हो चुका है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैंसर में वो अपना एक लेग खो चुका है। हेजल ऑगस्टस से पूछती है कि तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है, तो ऑगस्टस बोलता है कि मुझे गुमनामी से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और मैं नहीं चाहता कि मैं एक गुमनाम इंसान बनकर रहूं। तो हेजल पूछती है कि यार इसमें कुछ इतना बड़ी बात नहीं है, हर एक इंसान कभी ना कभी एक ना एक दिन हर किसी को भूल ही जाता है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई इतना बड़ा डर है। तो इतने में ही ऑगस्टस उससे उसका नाम पूछ लेता है क्योंकि उसको अभी तक हेजल का नाम नहीं पता होता है। तो वो जब अपना नाम बताती है तो वो बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और इतने में ही वो एक सीक्रेट निकाल कर अपने माउथ में रखता है, जिसकी वजह से हेजल जो है काफ़ी अपसेट हो जाती है और काफ़ी परेशान भी हो जाती है, क्योंकि लगता है उसे लगता है कि इस तरह से सीक्रेट पीकर, बिकॉज कैंसर के लिए सीक्रेट बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो वो बहुत ज़्यादा अपने साथ बुरा कर रहा है और अपनी हेल्थ के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। बट जो ऑगस्टस होता है वो उसको बताता है कि वो कभी स्मोक नहीं करता, वो बस अपने दांतों के बीच में सीक्रेट को ये रख कर यू नो रख कर ये अज्यूम कर लेता है कि उसके दांत ही डेथ को रोकने के लिए काफ़ी यू नो पावरफुल हैं। इतने में ही ऑगस्टस उसे इनवाइट करता है कि क्या हेजल उसके घर पर एक मूवी देखने चलेगी, और हेजल इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों जाने लगते हैं।
रास्ते में जब ऑगस्टस ड्राइव कर रहा होता है तो वो बहुत ही हॉरिबली ड्राइव कर रहा होता है। तो हेजल उससे पूछती है तुम इतना घटिया ड्राइव क्यों कर रहे हो, तो वो बोलता है एक्चुअली मैं उसे ड्राइव करना नहीं आता और उसका एक लेग भी इंजर्ड है क्योंकि वो एक लेग जो है वो आर्टिफिशियल है। पर जो वहाँ का इंस्पेक्टर था जो डीएल प्रोवाइड करता था उसने उस पर पिटी खाकर उसको किसी तरह से लाइसेंस दिलवा दिया है, बट वो इतना अच्छा ड्राइवर नहीं है। उसके बाद ऑगस्टस पूछता है कि वो उसे अपनी कैंसर की स्टोरी के बारे में बताए, तो हेजल बोलती है कि उसको कैंसर का डायग्नोस तब किया गया था जब वो सिर्फ 13 ईयर्स ओल्ड थी और उसको बहुत सारे ट्रीटमेंट दिए गए, ऑलमोस्ट जितने भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड थे उसने सब लिए बट किसी ने भी कुछ भी असर नहीं किया और धीरे धीरे उसके लंग्स में पानी भरने लगा और अब उसको आईसीयू में ट्रीट करना जाता है। इतने में वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और ऑगस्टस उसको अपनी फैमिली से मिलाता है और फिर जो है ऑगस्टस उसको बेसमेंट में ले जाता है, दोनों फिल्म देखने के लिए जाते हैं। इतने में ही ऑगस्टस उससे पूछता है ठीक है अब तो मुझे अपनी रियल स्टोरी के बारे में बताओ, कैंसर वाली स्टोरी के बारे में नहीं। बट वो कुछ ऐसा रिमार्क नहीं देती इस पर। थोड़ी देर बाद जो ऑगस्टस है वो उसको एक बुक की कॉपी देता है जो उसकी एक फेवरेट बुक होती है, उसके फेवरेट वीडियो गेम पर बेस्ड है, और हेजल उसको रिटर्न में उस एक फेवरेट बुक रिकमेंड करती है जिसका नाम होता है एन इम्पार्शियल अफेक्शन। तो वो एक स्टोरी एक गर्ल के ऊपर बेस है जिसको ल्यूकोमा है, बट हेजल बोलती है कि ज़रूरी नहीं है कि इसको कैंसर ही हो। दोनों का वो दिन काफ़ी अच्छा स्पेंड होता है, हेजल अपने घर चली जाती है और ऑगस्टस उसको बोलता है कि वो उसको तब कॉल करेगा जब ये इम्पार्शियल अफेक्शन ख़त्म कर लेगा। उसके बाद इम्पार्शियल अफेक्शन ख़त्म करने के बाद उसको कुछ दिनों के वो कॉल करता है और उस टाइम जो हेजल होती है वो डिनर कर रही होती है, तो वो अपनी फैमिली से एक्सक्यूज करके उससे फ़ोन पर बात करने जाती है और उसी टाइम पर उसको ये भी पता चलता है कि जो आइजेक है उससे मोनिका ने ब्रेकअप कर लिया है। तो उसको ऑगस्टस बोलता है क्यों ना वो एक बार फिर से उस चर्च में मिले, उस ऑर्गेनाइजेशन में मिले। वहाँ पे आइजेक भी जाता है, ऑगस्टस भी जाता है और हेजल भी जाती है। जो आइजेक होता है वो अपनी बास्केटबॉल ट्रॉफीज पर अपना सारा गुस्सा निकाल रहा होता है और उसी के बीच ऑगस्टस उसको बताता है कि ये बुक जो है ना इसकी एंडिंग बहुत सरप्राइजिंग टाइप की है और ये बीच में ही ख़त्म हो गई है, इसमें कुछ बताया ही नहीं है कि उस लड़की जो मर गई उसकी डेथ के बाद उसके पेरेंट्स का क्या हुआ, कुछ नहीं इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। एक्चुअली उस बुक में एक लड़की की स्टोरी होती है जिसका नाम एना होता है, वो कैंसर से फाइट कर रही होती है और वो खुद ही उस बुक की नारेटर होती है, बट वो बीच में मर जाती है। अब उसके बाद क्या होता है इसकी बुक में कुछ भी नहीं होता और ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस होती है। तो ऑगस्टस जो होता है वो कहता है कि हमें इस बुक के राइटर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए और पूछना चाहिए कि इसकी एंडिंग कैसी है, इसके बाद हुआ क्या, इस लड़की का क्या हुआ, इसकी फैमिली का क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, कुछ भी नहीं है। तो हेजल उसके साथ एग्री करती है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ईगर होती है उसकी परफेक्ट एंडिंग जानने के लिए। वो बोलती है ठीक है अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो प्लीज़ करो क्योंकि इस बुक की एंडिंग मुझे भी जाननी थी, मैंने इसको हंड्रेड्स ऑफ लेटर लिख दिए, इतने ज़्यादा ईमेल्स कर दिए और पर मुझे कभी भी इसका रिप्लाई नहीं मिला कि आफ्टर दैट हुआ क्या था। वो कुछ दिनों बाद उसको ऑगस्टस कॉल करता है और वो कहता है कि जो उस बुक का राइटर था ना वैन हडसन, मैंने उसको ट्रैक कर लिया है, मैंने उसको मेल किए थे और उसके मैनेजर ने मुझे उसका रिप्लाई किया क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड थे तो हम उससे क्वेश्चंस अब पूछ सकते हैं। हेजल क्योंकि उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है तो वो अपने घर जाती है और खुद से उस वैन हडसन को बहुत सारे क्वेश्चंस लिखकर मैसेजेस करती है, ईमेल्स करती है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि उसका वैन हडसन का, क्योंकि वो बहुत दिनों से उसको लेटर्स लिख रही थी, ईमेल्स कर रही थी, तो उसका इंटरेस्ट देख के वो खुद उसको रिप्लाई करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे ये स्टोरी नहीं बता सकता ऑनलाइन क्योंकि तुम इसको लीक भी कर सकती हो, तो अगर तुम्हें ये पूरी स्टोरी जाननी है तो तुम्हें जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर आना होगा। वो उसको एमस्टरडैम इनवाइट करता है जहाँ पर वो रहती है और हेजल बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड हो जाती है उस बात को सुनकर, और उसकी जो मॉम होती है वो भी बहुत खुश होती है क्योंकि उनकी बेटी काफ़ी दिनों बाद इतनी ज़्यादा खुश दिखी होती है, इतनी ज़्यादा ओवरजॉयड दिखी होती है। इस बारे में हेजल और ऑगस्टस जो हैं वो रात के 1 बजे तक बात करते हैं, उसके बाद वो हैंगअप करते हैं ये सोचकर कि आगे क्या करना है ये हम कल सोचेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हेजल तुरंत उठ के अपनी मॉम से बात करती है कि उसे एमस्टरडैम जाना है, पर उसकी मॉम कहती है कि तुम कैसे जा सकती हो, वहाँ पे इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा और तुम्हें पता है कि हमारे घर की कंडीशन क्या है और तुम्हारी खुद की कंडीशन क्या है,
सो हम तुम्हें अकेले तो भेज भी नहीं सकते, वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और फिर वो ऑगस्टस से मिलने जाती है। तो ऑगस्टस बताता है कि जिस ग्रुप में हम हैं उस ग्रुप में कैंसर पेशेंट की एक विश को पूरा किया जाता है, नो मैटर वो विश क्या हो, उसमें कितना खर्च आ रहा हो, ये सब कभी नहीं देखा जाता और उसकी एक विश पूरी होती है, तो हम अपनी वो विश यूज़ कर सकते हैं। बट हेजल बोलती है उसने ऑलरेडी वो विश पूरी कर ली है और वो डिज्नी वर्ल्ड जा चुकी है। इस बात को सुनकर ऑगस्टस काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है कि उसने इतनी चाइल्डिश सी चीज़ पर वो विश यूज़ कर ली। बाद में जो ऑगस्टस है वो उसको एक पिकनिक पर इनवाइट करता है और उस पिकनिक पर वो काफ़ी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं और उसको वो दो टिकट्स दिखाता है जो एमस्टरडैम के हैं। उसे देखकर हेजल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसे बताता है कि उसने कैसे सबको कन्वीनियंस किया उसे एक विश ग्रांट करने के लिए, और उसकी वो विश थी कि वो हेजल को लेकर एमस्टरडैम जाए और वो विश उसकी मान ली गई। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा तैयारी करने लगते हैं। उससे पहले वो मारिया जो कि डॉक्टर होती है हेजल की, वो उससे एडवाइस लेते हैं कि वो हेजल को लेकर जा सकते हैं कि नहीं, कि हेजल के लंग्स में फ्लूइड भरा होता है तो उसको ड्रेन आउट किया जाता है, वो आईसीयू में रहती है। जब वो ठीक हो जाती है तो जो ऑगस्टस है वो उसको लेकर एमस्टरडैम के लिए चला जाता है और उसकी मॉम जो है वो भी उनके साथ ही जाती है। जब वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें जाकर पता चलता है कि एमस्टरडैम कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है और वहाँ पे वैन हॉटन ने उनके लिए एक बहुत ही रोमांटिक डिनर डेट का प्लान किया होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और नेक्स्ट डे लोग मिलने जाते हैं वैन हॉटन से, और जो हेजल है वो तुरंत ही बहुत सारे उससे क्वेश्चंस पूछने लगती है, पर वैन हॉटन जो है उसका बहुत इररिस्पॉन्सिबल और फिलोसफिकल टाइप का आंसर देते हैं। वो उसकी आना की मदर के बारे में और सब के बारे में पूछती है, बट वो कुछ आंसर्स देने से रिफ्यूज़ भी कर देता है और वो ऑगस्टस के कैंसर का भी मजाक उड़ाता है और उनसे काफ़ी रूड बिहेवियर करता है और कहता है कि यहाँ आने से और इस स्टोरी के पीछे पड़ने से अच्छा तो ये था तुम लोग अपनी हेल्थ पर ध्यान देते, और ये सब बोलने लगता है। तो वो लोग वहाँ से डिसअपॉइंट होकर चले जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है उनके लिए जितने भी अरेंजमेंट्स वगैरह किए थे वो उसने नहीं किए थे बल्कि उनके जो सेक्रेटरी थे उसने किए थे, और फिर उनका सेक्रेटरी जो होता है लिडविच वो वहाँ पर आता है, उससे बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है सब कुछ, और वो उसे कहता है कि आप लोग चाहें तो वो एनी फ्रैंक जो है उसका घर देखने के लिए जा सकते हैं। एनी फ्रैंक वहाँ पर एक बहुत फेमस राइटर होती है जो 13 ईयर्स की होती है, और उसने अपनी लाइफ के बारे में लिखा होता है कि कैसे उसकी लाइफ जो थी वो हेल बनी हुई थी, वो एक हेल सिचुएशन में रहती थी, वहाँ पे हिटलर का जो रूल था उसकी वजह से वो किस तरह से छिप छिप कर रहते थे, किस तरह से उनके पेरेंट्स को टॉर्चर किया जाता था। तो वो ये सब अपनी बुक में लिखती है। वो 13 ईयर्स में ही उसकी बुक बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, तो लोग वहाँ पर उसके घर को देखने जाते थे। वो उसके घर को देखने जाते हैं क्योंकि वहाँ पे स्टेयर्स होती हैं तो वो उस घर को ज़्यादा अच्छे से नहीं देख पाते हैं। वहीं पर ऑगस्टस ये बात कन्फेस करता है कि वो हेजल से बहुत ज़्यादा लव करता है और हेजल भी उससे लव करने लगी होती है, बट कहती है कि इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है, मैं कुछ दिनों में मर जाऊँगी, क्यों तुम अपनी लाइफ ख़राब करना चाह रहे हो और ये सब। एक दिन ऑगस्टस हेजल को कॉल करता है रात में और उसे अपने वहाँ घर पे बुलाता है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोल रहा होता है, क्योंकि जो ऑगस्टस होता है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, वो वॉमिट्स कर रहा होता है, उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो जब उसे हेजल लेकर जाती है हॉस्पिटल तो पता चलता है कि उसका जो कैंसर है वो फिर से वापस आ गया है। ऑगस्टस हेजल से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक बार फिर से पिकनिक पर जाएं, उसी जगह पर जहाँ पर वो पहले भी गए थे। दोनों जाते हैं वहाँ पर, काफ़ी अच्छा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि हेजल को ये पता होता है कि ऑगस्टस नहीं बचेगा, क्योंकि ऑगस्टस अब प्योरली व्हील चेयर पर चल रहा होता है, उसके लेग्स काम नहीं कर रहे होते हैं। 8 डेज के बाद रात को हेजल की फैमिली को एक कॉल आता है और जिसमें ये कहा गया होता है कि अब जो ऑगस्टस है वो जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। ये न्यूज़ हेजल को बहुत ज़्यादा ब्रेक कर देती है, वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, वो उसकी मेमोरीज को सबको याद करने लगती है, उसका फर्नल जो है वो रेडी किया जाता है। हेजल भी वहाँ पर एज अ स्पीकर जाती है, कुछ बोलती है, पर एक चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है। वैन हॉटन उसी बुक का ऑथर वहाँ पर आया हुआ होता है और वो कहता है कि वो टच में था ऑगस्टस के इतने दिनों से, जिसको
सुनकर जो हेजल होती है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, वो सोचती है कि अब मेरे को घर जाना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है उसकी डेथ से, तो वो अकेले ही घर जाने का सोचती है। जैसे ही वो कार में बैठती है, वैन ऑटन जो है वो आकर उसकी कार में बैठ जाता है और कहता है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया हेजल के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने से, इसीलिए वो आज उसको क्वेश्चन के आंसर्स देने आया है। और वो बोलता है कि एना जो उसकी बुक है, उसमें जो एक लड़की है एना, वो उसकी खुद की बेटी है जो 8 ईयर्स की थी और वो ल्यूकेमिया से फाइट करते करते मर गई थी। और वो उस टाइम पर भी जो हेजल है वो देखती है कि वो एक बॉटल लेकर ड्रिंक कर रहा होता है, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इतने पहले ही जो वैन हॉटन है वो उसको एक लेटर देता है, क्योंकि हेजल गुस्से में होती है, वो उस लेटर को क्रैम्बल करके साइड में फेंक देती है और उसको अपने कार से बाहर भेज देती है। हेजल जो है अपनी कार में बहुत बिटरली रो रही होती है। इतने में आइज़ैक जाता है उसको कंफर्ट करने के लिए और बताता है कि ऑगस्टस तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो हर एक से तुम्हारे बारे में ही बात करता था, तुम कैसे बिहेव करती हो, कि तुम कैसे बोलती हो, सब कुछ तुम्हारे बारे में ही बोलता था। और फिर वो पूछता है क्या उसने वो लेटर पढ़ा जो वैन हॉटन ने दिया है, तो उसे बताता है कि वो लेटर जो है वो ऑगस्टस ने ही लिखा है जो तुम्हें वैन हॉटन ने दिया। इस बात को सुनकर हेजल बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि जो लेटर से वैन हॉटन ने दिया है वो ऑगस्टस ने लिखा है। वो बात उस लेटर को ढूंढती है जो उसने क्रैम्बल करके कहीं पर फेंक दिया होता है। इतने में आइज़ैक उसे बताता है कि ऑगस्टस ने ही वैन हॉटन को इंसिस्ट किया था कि उसकी फ्यूनरल पे वो आए, ये उसकी डाइंग विश थी कि उसकी फ्यूनरल पर वो आए और एना के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब हेजल को सच सच बताए। आइज़ैक उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे ऊपर ऑगस्टस ने एक आर्टिकल भी लिखा था जिसमें यह था कि तुम कितनी अच्छी हो, कितनी क्यूट हो, कितनी ब्रेव हो, कितने तुमने कितनी ब्रेवली कैंसर से फाइट किया, बट उसको वो ठीक से वर्ड नहीं दे पाया। वो सिर्फ ऑगस्टस के अकॉर्डिंग था कि वो उसको वर्ड नहीं दे पाया, वरना उसने वो आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली लिखा था और सिर्फ तुम्हें डेडिकेट किया था। वो बोलता है क्योंकि उसको इतने शब्द नहीं मिल रहे थे, इसलिए उसने वैन हॉटन से रिक्वेस्ट करी थी। उसने अपने जितने भी वर्ड्स थे, जितनी भी फीलिंग्स थी, वो सब वैन हॉटन के साथ शेयर करी थी और उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो तो एक आर्टिकल नहीं लिख सकता, पर वैन हॉटन एक आर्टिकल उसके ऊपर लिखे और वो उसको दे। तो वो वही आर्टिकल है जो तुमने क्रैम्बल करके फेंक दिया है, वो एक्चुअली में वैन हॉटन ने नहीं, ऑगस्टस ने लिखा है। जब हेजल उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि हेजल कितनी ज़्यादा ब्रेव है, उसने आईसीयू में अपनी लाइफ के लिए कितना ब्रेवली फाइट किया है, वो उसकी कितनी अच्छी फ्रेंड थी, उसने कितने अच्छे मोमेंट्स एक साथ बिताए थे। और ऑगस्टस उससे रिक्वेस्ट करता है कि उन्होंने जो भी मोमेंट्स एक साथ बिताए हैं हेजल उसे चैरिश करे, कभी उसके लिए सैड ना हो, और वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने डिप्रेशन से बाहर आए और मूव ऑन करे। हेजल उन सभी ब्यूटीफुल मोमेंट्स को याद करती है जो उन्होंने एक साथ बिताए हैं और वो ऊपर स्काई में देखकर बोलती है ओके, एज वो ऑगस्टस को बोल रही हो दैट ओके शी विल फॉलो हिज एडवाइस। और यहीं पर नावल ख़त्म हो जाती है।